कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल और आपका कुक विद पारुल में बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी केसरी स्वीट रोल। इसमें हमें किसी मावे की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही झटपट सिर्फ 10-12 मिनट में आपके स्वीट रोल बनकर के तैयार हो जाएंगे, जैसे आप बाजार में खाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और रक्षाबंधन पर आप इसको जरूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी होते हैं। केसरी स्वीट रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसको हल्का गर्म करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी, फ्लेम को थोड़ा मीडियम रखेंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप बिल्कुल मलाई वाला दूध। ये मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, मेरे यहाँ गाय का दूध आता है तो ये हल्का पीलेपन पर है। आप थोड़ी सी मलाई डाल लें उसमें ही। 125 ग्राम के करीब मैंने दूध लिया है क्रीम वाला, अब इसको चलाएंगे। फ्लेम को थोड़ा मीडियम रखेंगे, लो टू मीडियम। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ रहा है घी के साथ, तो अब हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो। ये मैंने लिया है 1 कप मिल्क पाउडर, ये मेरा पतंजलि का मिल्क पाउडर है जो बाजार में दूध का पाउडर मिलता है, और 1 कप का मतलब है ये 250 ग्राम है। तो 250 ग्राम मिल्क पाउडर अब इसमें हम डालेंगे, लेकिन सारा एक साथ नहीं, क्योंकि अगर हम एक साथ डाल देंगे तो इसमें गांठे पड़ जाएंगी। तो धीरे धीरे करके हम डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से, और चलाते भी जाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देंगे। और बिल्कुल स्लो पर, एकदम सिम फ्लेम पर इसको हम थोड़ा भूनेंगे, जिससे कि इसकी रॉनेस खत्म हो जाए और बढ़िया खुशबू आने लगे। बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। 1 मिनट के करीब इसको भून लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच केसर का दूध। आप देख सकते हैं मैंने केसर को 2 चम्मच दूध में भिगो दिया था और अब इसका रंग इस तरीके का केसरी पीला हो गया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, या अगर आपके यहाँ केसर नहीं है तो आप इलायची पाउडर के साथ थोड़ा सा खाने वाला जो फूड कलर होता है पीला, वो भी आप डाल सकते हैं पिंच, तो उससे भी इसमें पीला रंग आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे बहुत ही बढ़िया कलर के साथ साथ खुशबूदार केसर का एकदम अच्छा स्वाद आता है। इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल आप रक्षाबंधन पे बाजार से आपको मिलावटी मिठाई खरीदने की जरूरत ही नहीं, आप आसानी से हाइजीनिक बिना मिलावट वाली अपने हाथ की बनी हुई बढ़िया मिठाई, और वो भी इतनी फास्ट, आप घर में ही बना सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच पिसी हुई चीनी। मैंने चीनी को मिक्सी में पीस लिया था तो इस तरीके का पाउडर बन गया है। आप यहाँ बूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप चीनी को पीस लें। ये 3 चम्मच मैं फुल डाल रही हूँ, आप अपने जैसा स्वाद के हिसाब से इसमें चीनी एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डाल सकते हैं, कम डालना चाहते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पर हम मिलाएंगे। अब इसी तरीके से चला चला करके हम 5 मिनट इसको पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है केसर की, अच्छा सा पक जाएगा तो इसकी जो रॉनेस है वो खत्म हो जाएगी और एकदम बढ़िया बाजार जैसा स्वाद इसमें आएगा। और फ्रेंड्स, ये थोड़ी देर में ही पैन को छोड़ने लगेगा, तो बस समझ जाइएगा कि अब ये तैयार है। अभी ये हल्के गीलेपन पर है क्योंकि हमने चीनी का पाउडर डाला है, तो चीनी इसको थोड़ा पतला करती है। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये भुन गया है और अब ये बिल्कुल तैयार है। गैस को ऑफ करके थोड़ी देर इसको ठंडा होने देते हैं। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो अब हम बनाते हैं स्वीट रोल। तो सबसे पहले हाथ को ग्रीस कर लेते हैं इस तरीके से, घी लगा करके इसका थोड़ा पोर्शन ले करके हम रोल बनाएंगे। बहुत ही आसान इसको बनाना, जैसे मार्केट में मिलता है
बिल्कुल उसी तरीके से हम इसका रोल बनाएंगे। इस टाइप से आप देख सकते हैं, देखिए इस टाइप से हम रोल्स बनाते जाएंगे। छोटे बड़े आप जिस साइज के बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, रुका नहीं जा रहा है, मन कर रहा है एक पीस मैं ही खा लूं अभी। तो चलिए फटाफट बनाते हैं और फिर खाते हैं। इसी तरीके से दूसरा भी बना लेते हैं। ये तैयार रोल्स बिल्कुल तैयार है केसरी, और आप देख सकते हैं कि ये कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। जो भी इसको खाएगा खाता रह जाएगा, एकदम घर के बिना मिलावट के बहुत बढ़िया और सिर्फ 10 मिनट में बने हुए। अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं ले रही हूँ ये चांदी का बर्क। अगर आपको चांदी का बर्क असली मिल जाता है तो आप लगाएं, वरना इसको स्किप कर दें, इसे ना लगाएं। तो मेरे पास है तो मैं इसको लगा रही हूँ। आप इसको सिर्फ ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं, मैंने यहाँ चांदी के बर्क से बिल्कुल इनको सजा लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये घर के बने हुए हैं। अब मैंने यहाँ पर ली है थोड़ी सी बारीक कटी हुई पिस्ता, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इससे भी ऊपर से गार्निश कर देते हैं जिससे ये और अट्रैक्टिव हो जाएंगे। और ये देखिए मैंने इसको पिस्ता लगा करके सजा दिया है और बिल्कुल ये तैयार है। और बहुत ही टेस्टी, बहुत आसान बनाने में, बहुत कम समय में और बहुत ही कम सामान से ये बन जाती है। तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें और ये मैं खिलाऊंगी अपने भाई को। आप भी बनाइए और आप भी एंजॉय कीजिए। होप यू लाइक दिस रेसिपी। योर व्यूज मैटर टू मी, योर एनकरेजमेंट सपोर्ट मीन्स लॉट टू मी। सो प्लीज क्लिक द सब्सक्रिप्शन बटन एंड शेयर द वीडियोस, वॉच द वीडियोस। Keep watching, enjoy smart cooking with Cook with Father.